नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रायबरेली मीनाक्षी सिंह चौहान के द्वारा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें एमएससी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के परिणामों को सुधारने और त्रुटि को सही करने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन को देने के लिए सैकड़ों विद्यार्थी कई घंटे धूप में खड़े हुए, जिस कारण मीनाक्षी सिंह चौहान बेहोश हो गई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों को बुलाकर मामले को संज्ञान में लिया और इस पर कार्यवाही का दिया। ये छात्राएं हैं और एक घंटे तक कोई सुनने नहीं आया, तो बेहोश हो गई छात्राएं। के लिए ये दुख है और कोई सुनने हमारी आया नहीं। बाद में डीएम साहब ने एक घंटे बाद में काले प्रचार आए थे, उनसे क्या बात की डीएम साहब ने? डीएम साहब ने उन्हें कोई आश्वासन दिया है कि उनसे भी बात करके और बीसी साहब से बात करके कहा है कि हम जल्द से जल्द जो छात्रों की समस्या है उसको निकालने को। शर्मा जी बेहोश भी हो गई हैं, तो उसी सबको लेकर हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पर आए। हाँ, हमारा प्रतिनिधि मंडल और कुछ अपने कार्यकर्ता उसमें सभी छात्र मिलने गए हैं डीएम साहब से। अंदर जो वार्ता होती है, हम सभी का परीक्षा परिणाम जो है वो सुधार किया जाए। हम सभी को प्रैक्टिकल के नंबर जैसे हमने पढ़ाई की थी उसका दिया। एक बच्ची बेहोश भी हो गई थी, अंदर क्या निष्कर्ष निकला? मेरा नाम शफा खातून है, मैं एमएससी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर की फिजिक्स डिपार्टमेंट से। देखिए, हम लोग का जब 11 सितंबर को हम लोग का रिजल्ट आया तो उससे हम लोग बहुत ही असंतुष्ट थे, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम दिए गए थे, जिसकी हम लोग ने उम्मीद नहीं की थी। तो उसके बाद हमने प्रिंसिपल को अपना ज्ञापन दिया था, एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के लिए दिया था, तो उन्होंने फॉरवर्ड तो किया, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से, वाइस चांसलर की तरफ से कोई भी मतलब जवाब मिला ही नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।